हेलो एंड वेलकम, मैं उषा गुप्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। आज हम बनाएंगे बर्गर, छोटे छोटे बर्गर बनाएंगे हम। उसके लिए हमने बर्गर के छोटे सब्वे वाले बन लिए हैं। सबसे पहले हम फ्रेंच फ्राइज़ बना देंगे जो कि इसकी फिलिंग के अंदर जाएगी। तो फ्रेंच फ्राइज़ को हम डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं, हम इन्हें मस्के में फ्राई कर लेंगे, जैसा कि मैंने अपने फ्रेंच फ्राइज़ के वीडियो में शो किया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम फ्रेंच फ्राइज़ को बनाएंगे, एक साइड से ही अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे तो दूसरी साइड करेंगे। इन्हें बनाने में 10 मिनट लगेंगे। जैसे ही ये दोनों तरफ से फ्राई होके सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इन्हें तेज़ आंच करके थोड़ा सा क्रिस्पी करूँगी और फिर इन्हें निकालूँ। ये बहुत ही हेल्दी फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं और बर्गर में बहुत अच्छे लगते हैं। आप इन्हें चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस के साथ, रेड चिली सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज़ मेरी तैयार हो गई, मैं इन्हें बर्गर में यूज़ करने जा रही हूँ। अब मैं एक दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी बर्गर के लिए, फिलिंग के लिए। तो मैंने पैन को गरम कर लिया, पैन में डालूँगी मैं बटर और इस बटर के पिघलते बराबर मैं इसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड कर दूँगी। कुछ सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी, आप अपनी पसंद से जो चाहें वो सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च और गाजर को लंबा लंबा जूलियंस में काटा है, उन्हें मैंने इसके अंदर डाल दिया। और मैंने पत्ता गोभी ली है और उन्हें भी जूलियंस की शक्ल में काटा है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इन सब्जियों को सिर्फ इतना पकाना है कि इनका कच्चापन दूर हो जाए लेकिन इनका कुरकुरापन बरकरार रहे। तो इन्हें इस तरीके से तेज़ आंच के ऊपर पकाएं। सबको मिक्स किया मैंने। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले डालूँगी। मैं 2 चाय का चम्मच इसमें डाला मैंने केचप, टोमेटो केचप, रेड चिली फ्लेक्स। अगर छोटे बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो रेड चिलीज़ ना डालें, ग्रीन चिलीज़ भी ना डालें, सिर्फ ब्लैक पेपर। ये 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया, मींस काली मिर्च पाउडर। नमक स्वाद अनुसार मैंने 1/2 चाय का चम्मच नमक डाला है। अब इन सब्जियों को ऐसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक पकाएंगे इन्हें। ये सब्जियाँ पक गई हैं, मैंने सिर्फ 1 मिनट तक इन्हें तेज़ आँच के ऊपर पकाया है। इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर और भी सीजनिंग डाल सकते हैं, पिज्ज़ा सीजनिंग डाल सकते हैं, अपनी मनपसंद इस तरीके से सब्ज़ी बना सकते हैं मनपसंद मसालों के साथ। मैंने देखिए इन सब्ज़ियों को भी प्लेट में निकाल लिया। ये सब्ज़ियाँ निकाल ली हैं मैंने और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे बर्गर में कैसे यूज़ करना है। तो मैंने ये बंस लिए हैं, छोटे छोटे बंस लिए हैं और इन्हें बीच से ऐसे स्लाइस कट कर लूँगी। मैं सारे बंस को मैं कट कर लूँगी इसी तरीके से। कोई भी बंस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्वीट बन यूज़ कर सकते हैं, पाव यूज़ कर सकते हैं, रोल ब्रेड यूज़ कर सकते हैं या ब्रेड में भी आप इसे बना सकते हैं यही फीलिंग्स डालकर। तो ये मैंने सारे बंस को काट लिया, स्लाइस कर लिया बीच से। अब मैं पैन में डालूँगी बटर, बटर मींस मक्खन या मस्का, और इन्हें भी इन सारे बंस को इसके अंदर दोनों साइड से लाइट गोल्डन फ्राई कर लूँगी। आपको जितने गोल्डन फ्राई करना हो, जितना क्रिस्पी करना हो उतना करें। मैंने हल्के हल्के गोल्डन फ्राई किए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गोल्डन या बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं अच्छे लगते हैं, तो मैंने बस इतना ही फ्राई किया है तो क्या वो लाइट गोल्डन हो जाए और बटर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये मैंने सारे फ्राई कर लिए। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मेयोनीज़। मैंने ये वेज मेयोनीज़ लिया है डॉक्टर ओटकर का। दोनों ब्रेड के ऊपर, दोनों स्लाइसेस के ऊपर ऐसे मेयोनीज़ लगाऊंगी। जेनरसली मेयोनीज़ लगाएं, इससे बहुत टेस्ट हो आता है। ये सब्ज़ियाँ जो हमने मिक्स सब्ज़ियाँ बनाई थी उसका एक लेयर लगा दिया। इसके ऊपर से मैं लगाऊंगी फ्रेंच फ्राइज़। जितनी आ जाएँ एट अ टाइम उतनी ही लगाएं, अच्छे से जेनरसली लगाएं। इसके ऊपर से डालूंगी टोमेटो केचप। आप चाहें तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं और लाल चटनी भी लगा सकते हैं, रेड चिली सॉस भी लगा सकते हैं। ये मैंने मेरा बन के तैयार हो गया है बर्गर, मैं अपने छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ। मेरे बच्चे थोड़ी सी चिलीज़ पसंद करते हैं तो मैंने चिलीज़ डाली हैं और ये देखिए मेरा बन के तैयार हो गया है। तो आप भी बनाएं, खाएं, खुश रहें और फ़ोटोज़ क्लिक करके मेरे FB के पेज पर पोस्ट करें और टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।
बाय।